ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं। दफा हो जाओ यहां से। यहां प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहां जिसका दिल पत्थर का हो उसको फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। तुमने एक राक्षस को तो दबोच लिया, लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा लिया। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे एक फिल्म से एक एक्टर का नाम बन जाता है, एक फिल्म के डायरेक्शन से वो डायरेक्टर इतिहास लिख जाता है। दोस्तों, बाहुबली ये फिल्म किसने नहीं देखी। हम में से हर एक इंसान इस फिल्म का दीवाना है। इसने सिर्फ अनुष्का शर्मा और प्रभास की जिंदगी ही नहीं बल्कि इसके डायरेक्टर SS राजामौली की भी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा लाने की कोशिश की जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था, और इसलिए बाहुबली ये फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर हुई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे SS राजामौली और उनकी आने वाली फिल्म RRR के बारे में। बाहुबली के बाद सभी की नजरें इस डायरेक्टर की अगली फिल्म पर थी, और हाल ही में इन्होंने अपनी नई फिल्म RRR की घोषणा की है। ये फिल्म मोटरसाइकिल डायरीज इस हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित है। इस फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण, अल्लू सीताराम राजू और कोमरम भीम की मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि ये कहानी 1920 प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स पर आधारित है। लेकिन दोस्तों, आज तक जिन जिन डायरेक्टर्स ने हिस्ट्री से संबंधित फिल्में की है, सभी किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सीज के चंगुल में फंस गए थे। अब बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली का ही उदाहरण ले लीजिए। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, रामलीला, इन सभी फिल्मों के काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में जब SS राजामौली से पूछा गया तो वो कहते हैं, मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज से डर नहीं लगता है। लोगों ने बाहुबली जैसी फिल्म जिसका इतिहास के साथ कोई संबंध नहीं था उसे भी कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ जोड़ा था, और RRR में हमने हिस्ट्री और फिक्शन को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे इरादे नेक है और इसलिए हमें कॉन्ट्रोवर्सीज का डर नहीं लगता है। इस फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट तेलुगु में डेब्यू करने जा रहे हैं। आलिया भट्ट इसमें सीता की भूमिका निभाएंगी। वहीं इसमें इंटरनेशनल एक्टर डेजी एडगर जोन्स भी शामिल है। यह फिल्म 6 लैंग्वेजेस में रिलीज होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके रिलीज डेट के बारे में अब तक कुछ खास पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इतने ग्रैंड फिल्म का मजा तो थिएटर में ही आएगा, इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देखने में मजा उतना नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, ये फिल्म थिएटर में आनी चाहिए या OTT पे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ आपको इस फिल्म के बारे में क्या लगता है, ये भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इस फिल्म की इतनी हाइप हो रही है तो डायरेक्टर इसका अगला पार्ट भी जल्द ही लेकर आएंगे। आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो हमें यस करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।